नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं पांडु पुत्र भीम के जीवन परिचय के विषय में। भीमसेन के जीवन परिचय का यह तीसरा भाग है। अगर आपने पहला और दूसरा भाग अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप पहला और दूसरा भाग देखिएगा। इससे आपको पांडु पुत्र भीम के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना भीमसेन के जन्म के विषय में, उनके बाल अवस्था में घटित घटनाओं के विषय में, भीमसेन के नागलोक से संबंधों के विषय में, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भीमसेन में 10,000 हाथियों जितना विख्यात बल कैसे आया। और हमने दूसरे भाग में जाना भीम के शिक्षा के विषय में, उनके पत्नी व संतानों के विषय में, और साथ ही साथ हमने भीम के पराक्रम एवं उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के विषय में भी जाना। और आज हम जानेंगे भीम और जरासंध के युद्ध के विषय में, भीम और हिडिंब के युद्ध के विषय में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भीम और हिडिंब की बहन हिडिंबा का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था। और आज हम ये भी जानेंगे कि भीम ने चीचक का वध क्यों किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं भीम और जरासंध के युद्ध के विषय में। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट मगध राज जरासंध को मारना असंभव था। वह कंस के ससुर थे। उन्हें वरदान मिला था कि उनके कोई दो टुकड़े भी कर दे तब भी वह आपस में जुड़ जाएंगे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने किसी को भी मारा नहीं था। इसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु उन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहे थे, ताकि जिस दिन 101 राजा हो जाएंगे वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। जब भीमसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने जरासंध को मलयुद्ध के लिए ललकारा। फिर जरासंध भी मलयुद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए, पर भीम ने एक शर्त रखी कि अगर वो जरासंध को पराजित कर देंगे तब उनको सभी राजाओं को कारागार से मुक्त करना होगा। जरासंध ने शर्त स्वीकार कर ली और फिर दोनों में घमासान मलयुद्ध हुआ। भीम ने जरासंध के कई बार दो टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर से आपस में जुड़कर भीम से लड़ने लगते थे। भीम लगभग थक ही चुके थे। फिर आखिर में श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से फाड़कर उनके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का ये इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध के साथ भी वही किया। उन्होंने जरासंध को बीच में से फाड़कर दो भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। विपरीत दिशा में फेंकने के कारण दोनों भाग जुड़ नहीं पाए और इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। अब हम जानते हैं भीम और हिडिंब के युद्ध के विषय में, और साथ ही साथ हम जानते हैं भीम और हिडिंब की बहन हिडिंबा का विवाह किन
परिस्थितियों में हुआ था। हिडिम महाभारत काल का एक राक्षस राजा था जो अपनी बहन हिडिम्बा के साथ एक मायावी वन में रहता था। जंगल में राक्षस हिडिम्ब का आतंक था और वन में यदि कोई मनुष्य दिख जाए तो वो उनकी बलि दे देता था। वनवास के दौरान माता कुंती सहित पांचों पांडव वन में भटक रहे थे। हिडिम्ब की नजर माता कुंती और पांडवों पर पड़ी। तब उसने अपनी बहन हिडिम्बा को उनको बहला फुसला कर वहां लाने के लिए भेजा। अपने भाई की आज्ञा अनुसार हिडिम्बा अपना रूप बदलकर पांडवों के पास गई। पर जैसे ही हिडिम्बा ने भीम को देखा वो उन पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। फिर तभी वहां पर हिडिम्ब आधम का और भीम पर हमला कर दिया। फिर भीम और हिडिम्ब में भयानक युद्ध हुआ। हिडिम्बा ये युद्ध नहीं चाहती थी पर अपने भाई और प्रेमी के बीच वह फंस गई थी। पर आखिर में हिडिम्बा ने इस युद्ध में भीम का ही साथ दिया और अंत में हिडिम्ब की पराजय हुई। पांडुपुत्र भीम ने राक्षस राजा हिडिम्ब का वध कर दिया। भीम के युद्ध कौशल को देखकर सभी जंगलवासी भीम से प्रसन्न हो गए और उनका सत्कार करने लगे। राक्षस वंश में एक प्रथा थी कि जो राक्षस वंश के राजा को पराजय कर उसे मार देगा तब वो राक्षस वंश का अगला राजा घोषित हो जाएगा और फिर उसे पूर्व राजा की पुत्री या बहन से विवाह करना होगा। जब इस प्रथा के विषय में पांडव और माता कुंती को ज्ञात हुआ तब वो आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम को पूर्व राजा हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से विवाह करना था क्योंकि भीम ने ही पूर्व राजा हिडिम्ब का वध किया था। पर राक्षस वंश से होने के कारण भीम सहमत नहीं हुए। फिर वनवासी और हिडिम्बा ने माता कुंती से बहुत निवेदन किया क्योंकि यदि भीम हिडिम्बा से विवाह कर राक्षस वंश के राजा नहीं बनते हैं तो राक्षस वंश बिना राजा और बिना उत्तर अधिकारी के रह जाएगा और पूरे राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। फिर माता कुंती और पांडवों ने उस घटना पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और जब माता कुंती ने हिडिम्बा के आंखों में अपने पुत्र भीम के प्रति सच्चे प्रेम को देखा तब वो हिडिम्बा का विवाह भीम से कराने के लिए सहमत हो गई। फिर सभी इस विवाह के लिए राजी हो गए और फिर इस तरह पांडव पुत्र भीम और हिडिम्बा का विवाह संपन्न हुआ और इस प्रकार भीम की पहली पत्नी कहलाई हिडिम्बा। भीम और हिडिम्बा को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम घटोत्कच था। वह राक्षस वंश का होने के कारण अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली था पर दुर्भाग्यवश वो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब हम जानते हैं भीम ने चीचक का वध क्यों किया। भीम ने मत्स्य वंश के राजा चीचक का वध किया क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। पांडव तथा द्रौपदी अपने वनवास का अंतिम वर्ष यानी कि अज्ञातवास में द्रौपदी के साथ वेशभूषा और अपनी पहचान बदलकर राजा विराट के महल में रहते थे। अज्ञातवास के दौरान मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में युधिष्ठिर कंक नाम से भीम बल्लव नाम से अर्जुन व्रतला के नाम से नकुल तंतीपाल के नाम से सहदेव
ब्रांतिक के नाम से तथा द्रौपदी सेंद्री के नाम से निवास करते थे। पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए थे। एक दिन राजा विराट का साला चीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी, तब वह काम पीड़ित हो उठा तथा द्रौपदी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उस दुष्ट चीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई थी। द्रौपदी ने महाराज विराट और महारानी सुदेशना से कहा भी कि चीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है, मेरे पास गंधर्व पति है, एक ना एक दिन वह चीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों ने ही द्रौपदी की बातों को अनसुना कर दिया। फिर लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को चीचक की कुदृष्टि और कुविचारों के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर पहले तो भीमसेन चीचक पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट चीचक को अर्ध रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का आदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। फिर द्रौपदी ने भीम की योजना के अनुसार चीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। भीमसेन पहले से ही द्रौपदी के वस्त्रों से अपना शरीर और अपना मुंह ढक कर वहां लेटे हुए थे। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न होकर दुष्ट चीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा, वहां पर द्रौपदी को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। पर उस मूर्ख को क्या पता था कि वह द्रौपदी नहीं बल्कि द्रौपदी के भेष में भीम थे। भीम को द्रौपदी समझकर दुष्ट चीचक ने उन्हें स्पर्श करने की जैसे ही चेष्टा की, भीमसेन उछलकर खड़े हो गए और बोले, अरे पापी, तू इस समय अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है, ले अब पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने दुष्ट चीचक को लात और घूसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, ठीक उसी प्रकार भीमसेन दुष्ट चीचक को धक्के मार मार कर सारे नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर धरती पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मोड़कर उसे पशु की मौत मार डाले। इस प्रकार भीम ने दुष्ट चीचक का वध कर दिया। तो ये थी दोस्तों पांडु पुत्र भीम के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पांडु पुत्र भीम के जीवन से जुड़ी कई और घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।